बस भाई, वो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट। बस टीचर अपने टॉक्स लेके आए हुए एक नई वीडियो। तो जाते जाते आपको सिर्फ ये करना है लाइक, और अगर आप नए हो तो करो ये चैनल को सब्सक्राइब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी लेडी की जो हर जगह। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। ये औरत मेरी ज़िंदगी की वो एंग्जाइटी है जो बहुत मुक्का मार लो, घुसे मार लो, लात मार लो, जा ही नहीं रही। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस औरत का नाम बता दूँ। एकता कपूर। नहीं, एकता कपूर नहीं कहूँगा मैं, फेकता कपूर कहूँगा, क्योंकि इनके जो सीरियल के नाम है वो है नागिन। अब नागिन में पता नहीं कितने सीजन है, सीजन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 सीजन है। कुमकुम भाग्य, आप भैनचोद ऐसा नाम रखेगा तो लड़का भागेगा ही किसी और के साथ। और हाँ, एक बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, मैं तुलसी तेरे आंगन की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अबे तेरे को मैंने ही उगाया था, ठीक है। और इसमें भी एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैं तुलसी माँ तेरे आंगन की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अबे एक काम कर, नीम का पत्ता लगा के दिखा, नीम का पत्ता लगा के दिखा। तुलसी की जगह ना नीम का पत्ता होना चाहिए। मैं नीम का पत्ता तेरे आंगन की हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, कोई भी नहीं हाथ लगाएगा क्योंकि वो कड़वा होता है। और एक वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 5, 6 चीजों में कॉन्सेंट्रेट करती है, एक्टिंग, जो उससे कभी नहीं होती। ना तो वो एक एक्टर है, ठीक है, ना तो उसका बाप एक्टर है, ना तो उसका भाई एक्टर है, और बहस किया किस उजू के पट्टे ने उसको एक्टर बनाया है, उसके भाई को, तुषार कपूर को। अब बहन बहस की आँख, मैं मिल गया ना, और तू इतने इतने पिंकी गाल, अबे लिपस्टिक लगाते हो क्या तुम? और एक बात बताओ, और एक बात बताओ, एक एज के बाद क्या तुम्हारा प्लास्टिक सर्जरी करवाना जरूरी है? क्या करवाना जरूरी है प्लास्टिक सर्जरी? अबे ये जो मेरे दांत है ना, वो मैंने सर्जरी से नहीं ठीक करे है, ये मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और तुमने सर्जरी करवा डाली। अबे जो होंठ है ना मेरे, वो पहले से ही थे और तुमने होंठों की सर्जरी करवा डाली। ऐसा लगता है कि डिब्बे में सील लगी हुई है और तुम्हारे वहां पे भी सील लगी हुई है जो तुम खोलने की कोशिश करो और खोल नहीं रही। चलो एनीवे, ड्रामा और भैंस की आंख, ड्रामा इतना होता है ना एकता कपूर की सीरियल में कि सस्पेंस थक जाए और बोले, भाई माफ कर, भाई माफ कर, और नहीं सस्पेंस सस्पेंस खेलूंगा, ऑडियंस ऑडियंस से मेरे घर में जूते मारेंगे। लेकिन नहीं, हमारे यहां पे तो फुद्दू लिखा हुआ है ना। भैंस की आंख, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, ड्रामा दिखाना दिखाओ लेकिन सस्पेंस जब सीरियल तुम्हारा खत्म हो रहा है तब क्यों दिखा रहे हो? ऑन द स्पॉट तुम दिखे कहते हो कि कल दिखोगे, कल दिखाएंगे। अबे कल दिखाने वाली चीज आज क्यों दिखा रहे हो? मैं कसम से कह रहा हूं, मैं कसम से कह रहा हूं, बीसीसीआई को इतना बीसीसीआई को इतनी गंदी मेल लिखूंगा ना, इतनी सॉलिड मेल लिखूंगा कि एकता कपूर का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन नहीं, और एक बात बताओ, बालिका वधू सीजन 2 लाने की क्या जरूरत थी जब सीजन 1 इतना तगड़ा चल रहा था? तो एक बात बताओ, ये बात बता दो, जब सीजन 1 इतना तगड़ा चल रहा था तो सीजन 2 की लाने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे एपिसोड 100 100 150 100 साल तक चलते हैं और वही कैरेक्टर बार बार उसकी रेड, बार बार उसकी बीप की बीप हो रही है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो प्रोड्यूसर हो ना। चलो एक्टिंग होगी, ड्रामा हो गया, इमोशनल। और भैंस की आंख, इमोशनल इमोशनल ऐसे होता है जैसे भैंस ने इन्हें दुलत्ती मार दी हो और कुत्ते से कटवा के आए हो। मतलब शादी का सीन है। अबे वॉटर प्रूफ मेकअप,
यहाँ पे केमिकल आता है, एक केमिकल आता है ग्लिसरीन, उसकी पूरी की पूरी शीशी डोल देते हैं आंख में ये, ताकि ए ताकि पटक 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 करके तुम्हारी गंगा गंगा जमुना सरस्वती बह सके। अबे ऐसे नहीं रहते लोग, मेरे को अगर कोई 10 बार रापटे नहीं मारता मैं नहीं रोता, तुम क्यों रहते हो, तुम क्यों इतने इमोशनल अत्याचार करते हो हमें, फिर कहते हो कि एक्टिंग है एक्टिंग है। अबे एक्टिंग का ये भी नहीं है तुम्हें, एक्टिंग में ना बहुत सारी एक्टिंग आती है, फिजिकल एक्टिंग, मेटर एक्टिंग और इमोशनल एक्टिंग, तुम्हें एक्टिंग का ई भी नहीं आता, और तीन एक्टिंग के तो डूब मरो तुम, और काम करते भाई साहब फेस पे, अगर अगर 100 साल का मतलब 100 साल तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, अगर एक आदमी दिखाने जिसकी दाढ़ी है तो तुम भैंस के दाढ़ी वाला आदमी ले आओगे, उसकी जॉ लाइन इतनी शार्प कर दोगे कि जब वो घिसेगा ना अपनी जॉ लाइन वो लकड़ी में, जब वो घिसेगा अपनी जॉ लाइन लकड़ी में तो वो लकड़ी चमक जाएगी, लेकिन दाढ़ी को कुछ नहीं होगा। एक वो टू नहीं आता जैकलिन, जैकलिन वो रंधा जैसे कहते हैं, मेरे को तो लगता है उससे घिसते अपनी जॉ लाइन, वरना इतनी तगड़ी जॉ लाइन किसकी नहीं आए, लेकिन नहीं, फेस नया फेस चाहिए। तुम्हारा चचा तो जैसे करण जौहर है ना, तुम्हारा चचा तो करण जौहर है, कि करण जौहर की फैक्ट्री में जाओगे और उनसे कहोगे चलो एक नया फेस दिखाओ, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, किसी भैरी बुढ़ी भटूरे जैसी शक्ल को ले लोगे और वो ही तुम्हारा पूरा सीजन चला देगा, सीजन के एपिसोड चला देगा। अबे इससे बढ़िया तो तारक मेहता को क्या उल्टा चश्मा है, कम से कम उसमें बबीता है, जेठालाल है, तारक मेहता है, कोमल कोमल है, दया है, बेरे है, माधवी है, सोडी है, अबे कम से कम उनसे तो सीखो, सोनी सर से तो सीखो, एकता कपूर। आगे बढ़ते हैं, कॉमिक टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग तो भाई साहब इतनी बहरी है, इतनी बेअक्ल है, मतलब हंसना चाहिए रो रहे हो, रोना चाहिए हंस रहे हो, अबे बैलेंस करके रखो ना, मतलब गुंडों की हंसी फेक, अबे ऐसे ऐसे ना गुड़गांव में लोग हंसते हैं, वो लाफिंग योगा कहते हैं ऐसे। एनीवे अब आते हैं म्यूजिकल इमोशन में, किसी ने एक्टर को थप्पड़ भी मार दिया, किसी ने एक्टर को थप्पड़ भी मार दिया तो वो ऐसे मारेगा, और वो 3 बार धुमतन 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 धुम धुम में गिरेगी। अबे पहली नहीं गिर सकती क्या वो पहली नहीं गिर सकती वो। और एक बात बताओ, हर एक सीन में तुम गाने की घुसे देते हो, बच्चा पढ़ रहा है गाना घुसे दिया कुमार सानू का, वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, फिर 10 साल बाद बाप कहता है नो नो बेटा आई वॉज रॉन्ग तू नल्ला मरेगा, ये क्या मजाक है। और भाई साहब सबसे स्यापा तो तुम लोग ये करते हो कि हीरो बास्केटबॉल खेल रहा है, शर्ट के बटन उतारे, 6 बिस्किट देखे हैं और वो पानी पी रहा है, पानी मुंह पे नहीं जा रहा, पानी मुंह पे नहीं जा रहा, पानी ठुड्डी से डाइव मार के छाती से, यहाँ छाती से डाइव मार के छाती के बीच बीच में जो जो बिस्किट पड़े हुए हैं ना वहां पे जमा हो रहा है। अबे पेट है वो, कोई वाटर कूलर नहीं है जो तुम नलका लगाओगे और पानी आ जाएगा। मैंने एक बार किया था, मेरे छाती में बाल अटक गए, मतलब छाती के बाल में पानी अटक गया था,
बात करते हो यार। और घर से जूते पर है अलग। और भाई साहब एंट्री लेवल, एंट्री लेवल इतनी क्रिंज होती है ना एकता कपूर के सीरियल में। मतलब एक सीन है, नॉर्मल सा सीन है, नॉर्मल सा सीन है। आप आए बाइक से उतरे और गए, लेकिन नहीं, एकता कपूर है, दही पापा समोसा तो करना है, दही पापा समोसा तो करना है। ए यहाँ कैमरे, यहाँ कैमरे, यहाँ कैमरे, यहाँ कैमरे, यहाँ कैमरे, यहाँ कैमरे, मुंह तक में कैमरा। 5 5 एंगल से 5 5 शॉट ले रहे हो तुम लोग, 5 5 शॉट ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। और उसके बाद दिखा रहे हो, उसके बाद भी बताओ क्या कवर कर रहे हो तुम, क्या क्या कवर करती है एकता कपूर? पैरों का हिस्सा, ठीक है, घुटना हिस्सा, पेट, पेट, छाती, शोल्डर, बस। बाकी का पूरा ऐसा कल कल के एपिसोड में दिखाएंगे। अक्कल वक्कल है तुम्हें? अक्कल वक्कल है तो सुधर जाओ, अक्कल वक्कल है तो सुधर जाओ। लेकिन नहीं, सुधरना किसको है, हमें तो ऑडियंस का फुद्दू बना ले। चलो एनीवे, बात है एग्जिट लेवल पे। एग्जिट लेवल के से मेरा ये मतलब है डेड एंड, मर गया। अबे यार, मतलब मरने के बाद भी बंदा ये मध्य मध्य बंदा ये बोल रहा है कि इससे मेरा बदला ले लेना। मतलब सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस आ रही है। अबे उसे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप कर दे कि आज मैं मर रहा हूं, कि आज मैं मर रहा हूं, ठीक है, मेरी मेरी आखिरी इच्छा ये है, मेरे मानने वालों को ना तुम छोड़ना मत। लेकिन नहीं, मिलके बताऊंगा, साथ में मरेंगे। और भैंस के हम जो मानने वाला होता है ना गुंडा, वो गुंडा गुंडा होता ही नहीं है, गांडिया होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। और क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जो आपका बेस्ट पार्ट है। और अगर आपको लगता है कि एकता कपूर इज अ मिथ, कि और एकता कपूर इज अ फेकता कपूर, तो कमेंट डाउन बिलो येस और नो। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, नहीं हाँ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी ये वीडियो बंद करने के बाद मैं दूसरा व्लॉग, अपना एक व्लॉग शुरू करूँगा, शूट करूँगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शबक है, बाय बाय।